लकी, हेलो लकी, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिम्स बर्ड सॉटिक। मेरा नाम है मोहम्मद अवेज। आई होप आप लोग सब ठीक हो। हमारे साथ में आज एक अफ्रीकन ग्रे है जिसका नाम है लकी। इसकी थोड़ी एक स्टोरी है तो मैं सोचा आपके साथ में शेयर कर लूँ। कुछ वक्त पहले मेरे यहाँ पे चार पांच बिल्डिंग छोड़ के एक है, फ्रेंड बोल सकते हैं, क्लाइंट बोल सकते हैं, उन्होंने मेरे पास से बर्ड खरीदे हैं। पहले उन्होंने ये बर्ड किसी और के पास से खरीदा था तकरीबन 1.5 महीना पहले, मतलब लॉकडाउन से, लॉकडाउन जब स्टार्ट होने वाला था उससे थोड़े टाइम पहले खरीदा था, समझ लीजिए 10 to 15 मार्च के बीच में खरीदा था। मेरे पास से नहीं खरीदा था, किसी और के पास से खरीदा था, क्योंकि वो टाइम पे मेरे पास में अफ्रीकन ग्रे अवेलेबल नहीं था और उनके घर में बच्चे जिद कर रहे थे कि उनको अफ्रीकन ग्रे चाहिए। अब उन्होंने ये ग्रे लेके आ गया। फर्स्ट ऐसा हुआ कि ये ग्रे के पैर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ये उनको नहीं बताया गया था आई थिंक, शायद से राइट साइड पे आप उसके पैर में देख सकते हो, राइट वाला जो पैर है, जिस पैर में रिंग है वहाँ पे उसके पैर में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्रॉस है। वो मेजर इशू नहीं है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है उससे, मतलब बर्ड की हेल्थ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एक बात। उसमें तो मैं पता नहीं सेलर ने उनको बताया था कि नहीं बताया था या उनको पता था, मैंने उनसे ज़्यादा पूछा नहीं ये बारे में, मुझे अच्छा नहीं लगा पूछने के लिए। सेकेंडली ये उन्होंने जब ये बर्ड लेके आया तो तब ये तकरीबन 3 महीने का था, अभी ये 5 महीने के आसपास है टेंटेटिवली, तो वन टाइम हैंड फीड पे था। अब वो टाइम पे उन्होंने लेके आया तो बराबर से वो फीड नहीं कर पाए बर्ड को, ठीक है, बट फिर भी खुद से खाता था तो कोई वो चीज़ का भी प्रॉब्लम नहीं हो। हालांकि अफ्रीकन ग्रे को 5 मंथ तक के हैंड फीडिंग देना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद में मेन ये वीडियो के अंदर जो बाद में आपको बताना चाहता हूँ, अब उन्होंने लेके आ गए बट ये बर्ड जो है बड़ा साइज का है थोड़ा, मतलब बड़ा साइज इन द सेंस अफ्रीकन ग्रे मीडियम साइज के बर्ड में आते हैं, और उनके पास जो बर्ड थे इससे पहले वो सब कॉनियोर्स थे, तो वो इसे टाइम, मतलब टाइम नहीं दे पा रहे थे, एक तो डर की वजह से कि उनको ये लगता था कि बर्ड अगर काट लेगा तो बहुत जोर का लगेगा, तो ये जो बर्ड था थोड़ा ख़राब हो गया, ख़राब इन द सेंस इसका टेमनेस कम हो गया और बर्ड थोड़ा एग्रेसिव हो गया, क्योंकि वो उसे केज के बाहर नहीं निकालते थे और प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते थे। मैक्सिमम टाइम वो केज में रहता, दिन में खाली एक 10 या 15 मिनट के लिए निकालते थे बाहर, वो भी डर डर के निकालते थे, तो ये बर्ड थोड़ा एग्रेसिव हो गया। तो अभी उन्होंने मेरे पास ला के दिया है कि ताकि मैं इसे टेम कर सकूँ। तो मैं सोचा आपके साथ में भी कुछ टिप्स शेयर कर लूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अभी ये एक ही दिन पहले आया है, अभी भी ये मेरे से डर रहा है, आप देख सकते हो, मुझे हाथ वगैरह लगाने नहीं दे रहा है, मुझे ग्लव्स पहन के बहुत बार हाथ लगाना देना पड़ता है क्योंकि मुझे ये डर लगता है कि काट लेगा, ठीक है। तो मुझे पहले इसके साथ में ट्रस्ट बॉन्ड करना पड़ेगा इसके साथ में, उसके बाद में ही इसका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अब ट्रस्ट बॉन्ड करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर कि रोज एटलीस्ट इसके साथ में 1 से 2 घंटा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अब अफ्रीकन ग्रे कॉनियोर के जैसे नहीं होते हैं, कॉनियोर नॉर्मली हर एक मेंबर के साथ फैमिली में बॉन्ड हो जाता है, पर अफ्रीकन ग्रे हार्डली 1 या 2 मेंबर के साथ में ही बॉन्ड हो गए। तो मैं मेरे बेटे के साथ में भी बॉन्डिंग के लिए नहीं बता इसके साथ में दे रहा हूँ क्योंकि वो छोटा है तो वो उसे काट लेगा तो तकलीफ होगी। अब ये मुझे काटेगा तो मैं थोड़ा बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मुझे सबसे पहले इसके साथ में बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसे हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने मेरे पास लाके दिया है ताकि मैं इसे अच्छे से ट्रेन कर सकूं। तो नॉर्मली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप बर्ड को नहीं देंगे, और ये बर्ड टेम था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बर्ड अच्छा टेम था, जब उन्होंने लाया था तब मैं खुद जाके देखा था, बर्ड टेम था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अब ये सेमी टेम से थोड़ा ज़्यादा है और टेम से थोड़ा कम है, बर्ड एग्रेसिव है, कभी भी काट देता है, कभी भी किसी तरीके से बिहेव करता है, और उन्होंने बराबर डाइट पे भी ध्यान नहीं दिया इसके, तो नॉर्मली वो सीड्स ज़्यादा खाता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल कम खाता है, तो थोड़ा हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू हो गया है इसका। बाकी बर्ड है अच्छा, ठीक हो जाएगा, टेम हो जाएगा, तकरीबन 1 महीने के आसपास जाएगा मुझे इसको टेम करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप जब भी बर्ड लेके आओ तो उसे प्रॉपर तरीके से ध्यान दो। अभी मुझे पे कर रहे हैं ये बर्ड को टेम करने के लिए। नॉर्मली मेरे पास में जो टेम करने के लिए बर्ड आते हैं, नॉर्मली मैं चार्ज करता हूँ बिटवीन 3 to 5,000
मीडियम साइज बर्ड के लिए वो कितना टेम है, वो हिसाब से मतलब कितना उसको टेम करना है, कितना टाइम देना है, ये टेमनेस का चार्जेस है, टेम करने का चार्जेस है, बाकी जो उसका फूड का जो चार्ज होता है वो, और डिपेंड करता है बर्ड टू बर्ड का। मेरे को काफ़ी साल के एक्सपीरियंस है, अराउंड 10 to 12 ईयर्स के एक्सपीरियंस है बर्ड टेम करने के लिए। तो मेरे पास आते हैं लोग बहुत बार टेम करने के लिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मुझे से किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड क्रिएट करना पड़ा है। और देखिए अभी भी देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ लेके जाऊँ। देखिए मैं भी थोड़ा डर रहा हूँ क्योंकि काटेगा वो, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए वो डर रहा है, किस तरीके से डर रहा है। गुड बॉय, गुड, नो, लकी लकी। देखिए फिर भी हाथ लगाने देने लगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर करके, और मैं ज्यादा टाइम ऐसा उसके साथ में नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं जब ये ऐसे निकालू तो भले 1.5 घंटा 2 घंटा उसके साथ में बैठू, पर बार बार मतलब मैं कंटिन्यू हाथ ना लगाऊं, थोड़ी देर रुकू, थोड़ी देर हाथ लगाऊं, उसके बाद उसको कुछ जो खाने के लिए पसंद है वो दूं। तो इस तरीके से मैं इसे टेम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में कल ही आया, 1-2 दिन ही हुआ है, आखिर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे पास में, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा टाइम देके मैं इसे टेम कर दूंगा, उम्मीद तो यही है। नो 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 नो, इजी। ये देखिए अभी हाथ में भी आया है मेरे, पर डरता है, बहुत डरता है, ऐसा हाथ पे बैठे बैठे भी कभी भी बाइट कर लेता है। बहुत बार मुझे ग्लव्स का यूज करना पड़ता है स्टार्टिंग में, बहुत सारे बर्ड्स डर जाते हैं ग्लव्स को देख के, बट मुझे आदत है किस तरीके से टैकल करना है, हैंडल करना है, मैं जानता हूँ। कम ऑन, गुड 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 गुड। देख सकते हैं आप फ्रेंड्स ये किस तरीके से डरता है कभी। तो यही मेरा रीजन है कि आप जब भी बर्ड खरीद के लाए, अपने बर्ड को टाइम दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए, उसके साथ में बॉन्डिंग बनाइए, नहीं तो इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, और खास करके जो मीडियम साइज बर्ड है उनके साथ में, अफ्रीकन ग्रे हो गया, मकाउज हो गए, उनके साथ में प्रॉब्लम हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बर्ड्स, एंड हैव ए नाइस डे। बाय।